भारत में पंचायती राज। भारत में ब्रिटिश काल 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने स्थायी निकायों को बनाने का प्रावधान किया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग -4 में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्होंने शक्तियां का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व मुखिया सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक मान जाता है। इसको संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान से शोधन 1992 में मिला। इसको 11वीं अनुसूची भाग -9 व आर्टिकल 243 में 16 कानून व 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। भारत में 1957 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, 2 खंड स्तर पर पंचायत समिति और 3 जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत में पंचायती राज। भारत में ब्रिटिश का अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ